हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सुबह इस बात करने वाला हूं सहारा रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड का जो पोर्टल है लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों, सहारा रिफंड का जो पोर्टल लॉन्च हुआ कम से कम एक साल से प्लस हो चुका है। तो दोस्तों, जिस समय सहारा रिफंड का जो पोर्टल लॉन्च हुआ था, उस समय अमित शाह जी ने कहे थे कि आपका जो सहारा रिफंड का जो पैसा है आपको मात्र 45 दिन के अंतर में वापस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि एक साल से ज़्यादा होने वाला, लेकिन अभी तक सहारा रिफंड के जो पैसा है, एक भी निवेशक को अभी तक सहारा रिफंड का पैसा एक भी रुपया नहीं मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात हुआ था कि सहारा रिफंड आपको वहाँ पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करवा करके आपको वहाँ पर ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। तो दोस्तों, ऐसे लोग 200-400 दे करके बहुत सारे लोग कि अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करवाए थे और सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किए थे। दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा खर्चा हो चुका है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करने के बाद भी बहुत सारे लोगों का जो कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। 100 में से मात्र 5 आदमी का प्रोसीड हुआ था और 95 आदमी का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, फिर से एक नया नोटिस जारी हुआ, उसमें बोला गया था कि आपको फिर से डिसमिनेशन लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे जो कि फिर से डिसमिनेशन लॉगिन किए। उसके बाद दोस्तों, बोला गया था कि आपका जो पैसा है 45 दिन के अंदर में आपका पैसा यानी सहारा रिफंड की तरफ से पे कर दिया जाएगा। उसमें दोस्तों, यहाँ पे जो पहला किस्त आपको 10,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, रिसमिनेशन में आपको बोला गया था कि जिसका पैसा 10,000 से कम है वो लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आया था। उसके बाद दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल में जिनका 20,000 रुपये फंसा हुआ उनको सेकेंड में अप्लाई करने का ऑप्शन आया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से सरकार जो कि पब्लिक को एक साल से बेवकूफ़ बना रहा है कि ये करो वो करो। बहुत सारे पब्लिक है, जो पब्लिक का पैसा भी 500,000 प्रत्येक व्यक्ति खर्चा हो चुका, लेकिन सहारा रिफंड के पोर्टल से एक भी रुपया अभी तक किसी को नहीं आया है। तो दोस्तों, ऐसे में सरकार सभी को बेवकूफ़ बना रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। अब CRCS के पोर्टल पर सहारा रिफंड पोर्टल का नया नया लॉगिन करते हैं, नया नया डिसमिनेशन अप्लाई होता है, लेकिन कोई भी काम का नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगर डिसमिनेशन पर यहाँ पर इस तरह से आप क्लिक कीजिएगा उसके पोर्टल पर आकर के, तो पोर्टल पर आकर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको बोलेगा रिसमिनेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम जो बोले 14 मई 2024 को आप यहाँ पर 10,000 रुपया जिनका है 10,000 से कम वो क्लेम कर सकते हैं। जिनका यहाँ पर 20 तारीख को डेट आया था कि जिनका 50,000 से ज़्यादा है वो लोग यहाँ पर 20 तारीख से क्लेम कर सकते हैं। उसका यहाँ पर जिन लोगों का 5,00,000 रुपये वो लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा कि लेटर में क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बहुत सारा नोटिस आया था सहारा रिफंड के पोर्टल, लेकिन एक भी नोटिस कोई भी काम का नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक बार जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सहारा रिफंड पोर्टल जो कि न्यूज़पेपर है उसके बारे में एक बार भी नहीं बोला गया है, या कभी भी न्यूज़पेपर में सहारा रिफंड के बारे में नहीं छापा गया है, या दोस्तों सरकारी जो विज्ञापन आता उसमें भी सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा गया है। तो दोस्तों, सरकार सहारा रिफंड को साफ भूल चुके हैं। सिर्फ सहारा रिफंड का जो पोर्टल उसको लॉन्च कर दिए तो सभी पब्लिक को बेवकूफ़ बना दी कि आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए आपका पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो भी न्यूज़ आता है न्यूज़ के माध्यम से आता है और YouTube के माध्यम से आपको पता चलता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर ये काम होने वाला वो काम होने वाला, इसी से आपको पता चलता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर आप रिसमिनेशन फिर से अगर आप करते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक कर लेंगे रिसमिनेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको CRN नंबर डालना पड़ेगा। CRN नंबर उसको बोलते हैं जो कि दोस्तों आपको इससे पहले ऑनलाइन अप्लाई किए थे उसमें, अगर आप उसको पोर्टल को ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको CRN नंबर दिख जाएगा। CRN नंबर डाल करके कैप्चा डाल कर वैलिडेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो आपको रिजेक्ट लिखा रहेगा, किसी का प्रोसीड रहेगा। दोस्तों, प्रोसीड होने के बाद वेरीफाई होने के बाद ही पैसे नहीं आता है। दोस्तों, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मैं आपको बता दिया हूँ। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।